दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी काफी टाइम से चर्चा में बना हुआ है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इसे लागू करने का वादा भी किया था। टाइम टाइम पर इसकी मांग उठती रहती है, लेकिन वही ऑपोजिशन और बहुत से लोग ऐसे हैं, स्पेशली मुस्लिम लोग, जो इसका विरोध करते हैं। तो क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आइए जानते हैं आसान भाषा में। यूसीसी का मतलब इंडियन सिटीजन्स के लिए समान कानून तैयार करना है। जैसे पूरे देश में शादी और तलाक को लेकर एक ही कानून हो, चाहे वो नागरिक किसी भी जाति या धर्म के क्यों ना हो, यूसीसी के कानूनों का कोई भी बेस ना हो। दोस्तों, फिलहाल देश में पर्सनल लॉ भी मौजूद हैं, जिसमें शादी, तलाक, गोद लेना, गुजारा भत्ता और अलग अलग नियम कानून हैं। ब्रिटिशर्स के टाइम में भारत में अलग अलग विविधता, अलग अलग संस्कृति के लोग देखकर ये पर्सनल कानून बनाए गए थे। आज भी भारत में पर्सनल लॉ चलता है, जैसे कि मैरिज और तलाक से रिलेटेड हिंदूज के अलग लॉ हैं और मुस्लिम के अलग लॉ। ये लोग अपने धर्म के अकॉर्डिंग दोनों चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर सिख, बौद्ध और जैन के पर्सनल लॉज को भी कंसिडर किया जाता है, जिसका टाइम पर विरोध भी होता रहा है। दोस्तों, यूसीसी का चुनावी मुद्दा 1985 में शाह बानो केस के बाद बना। इस केस में मुस्लिम महिला शाह बानो की शादी मोहम्मद अहमद खान से हुई थी। वो इंदौर के रईस और जाने माने वकील थे। दोनों के 5 बच्चे थे। 14 साल बाद खान ने दूसरी शादी कर ली। फिर कुछ टाइम बाद दोनों पत्नियों को साथ रखने के बाद शाह बानो को तलाक दे दिया। उस वक्त शाह बानो की एज 62 ईयर्स थी। तब खान ने बानो को हर महीने 200 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन 1978 में उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया। तब शाह बानो ने खान के खिलाफ केस किया और अपने बच्चों को पालने के लिए 500 रुपए हर महीने की मांग करी। खान ने अपने बचाव में कहा कि पैसे देना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अब वो उनकी पत्नी नहीं है। दूसरी शादी और तलाक के पक्ष में उन्होंने बताया कि ये इस्लामिक कानून का हिस्सा है, इसलिए ये जायज है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खान के खिलाफ फैसला सुनाया और उन्हें गुजारा करने के लिए शाह बानो को पैसे देने पड़े। फिर उसके बाद उन्होंने और कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ने आवाज उठाई कि ये उनके पर्सनल लॉ पर अटैक है, शरिया कानून ऐसी इजाजत नहीं देता। आज भी मुस्लिम पर्सनल लॉ चलता है और बहुत सी जगहों पर शरिया कानून के तहत 3 बार तलाक कहने पर तलाक हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की सबसे ज्यादा जरूरत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से 28 के तहत लोगों को अपने धर्म से जुड़ी चीजों को मानने का अधिकार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि भारत में धर्म निरपेक्षता लाना जरूरी है। सीधे तौर पर इसका मतलब है कि जो कानून है वो कानून है, वो सभी धर्मों से ऊपर है और वो सबको मानना पड़ेगा। जो लोग यूसीसी के अगेंस्ट खड़े हैं, उनका कहना है कि ये कानून उन पर जबरदस्ती थोपा जाएगा, जो कि डेमोक्रेसी के खिलाफ है, स्पेशली मुस्लिम लोग जो शरिया कानून को किसी भी कानून से ऊपर रखते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बातें संविधान के खिलाफ हैं, क्योंकि आर्टिकल 44 के हिसाब से प्रिंसिपल्स अलग हो सकते हैं, लेकिन कानून सब भारतीयों के लिए एक होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, डेमोक्रेसी में महिला और पुरुष को शादी पर समान अधिकार मिलने चाहिए और ये कानून ही दिला सकता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई नुकसान भी नहीं है। आपको किसी धर्म को मानने या नहीं मानने से कोई रोक टोक नहीं लगा रहा। आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, उस तरीके से शादी कर सकते हैं। बस यूसीसी आपको वो अधिकार दिलाएगा जो भारत का नागरिक होने के नाते आपके पास होने चाहिए। लेकिन भारत में जहाँ इतनी सारी जातियाँ हैं, इतने सारे धर्म हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ में अलग अलग ट्राइबल्स लोग हैं, जिनके अलग अलग हजारों तरह के कल्चर हैं, हजारों तरह के तरीके हैं शादी वगैरह परफॉर्म करने के, क्या उन पर ये यूसीसी लागू कर पाना आसान होगा? आपका क्या कहना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएं।